वेलकम टू एशियाज आईएएस इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम देख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 जीएस पेपर 1 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस। तो हम सारे आंसर कीज डिस्कस करेंगे अलोंग विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि करेक्ट आंसर पे कैसे पहुंचे और उसका रीजन क्या है, कैसे हम इस पे पहुंच रहे आंसर। तो काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सेग्रीगेशन भी किया है ये सेट ए के क्वेश्चन से, पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी पॉलिटी से 17 क्वेश्चन पूछे हैं, हिस्ट्री 19, ज्योग्राफी 7, एनवायरमेंट 15, एग्रीकल्चर देर आर 12 क्वेश्चंस, इकोनॉमी 15, साइंस एंड टेक 12 जो अभी हम डिस्कस करेंगे, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 3, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस है। तो पहला सवाल देखते हैं साइंस एंड टेक में, ये रहा, ये देखिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर, एंड यू हैव 4 ऑप्शंस, ए फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, बी जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, सी डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियोज, एंड डी प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी काफी बार न्यूज में रह चुका है, हिंदू में भी कई बार न्यूज में आ चुका है, और साइंस एंड टेक अब कवर करते तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर आएगा ही। तो ये एक्चुअली प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस के लिए होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। सो इसका क्या डिटेल है हम वो देखेंगे, ये देखिए, ये इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है तो यहाँ पे कभी कभी डिजीजेस हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाते हैं, डिजीज हो जाती है, वो फिर वो एक्चुअली जब इनहेरिटेंस होता है तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग को भी, बच्चे को भी, तो इसीलिए ये कंसर्न है। तो इसीलिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर किया जाता है, मतलब एक प्रो न्यूक्लियर है एक जायगोट से निकाल के दूसरे को दिया जाता है। तो इसके लिए फर्टिलाइजेशन पहले होता है, हेल्दी डोनेटेड एग सेल्स क्या कब माइटोकॉन्ड्रिया लिया जाता है और मेल स्पर्म सेल के साथ उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो कैसे होता है ये एक्चुअली, इसको थ्री पेरेंट बेबी भी कहते हैं, क्योंकि कैसा होता है ये दो, ये कपल है, पेशेंट कपल है। अब यहाँ पे एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ये फीमेल्स से ये इनहेरिट होता है। तो ये इन फीमेल्स में जब एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एग सेल है और ये स्पर्म सेल है, तो ये इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एबनॉर्मल है। तो क्या किया जाता है, मदर का न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर डीएनए, वो निकाला जाता है, उसके एग से निकाला जाता है। न्यूक्लियस में मेन कंटेंट है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया तो न्यूक्लियस के बाहर होता है। हमने सेल्स का अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पे यू नो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो मदर का न्यूक्लियस निकाल लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बाहर है, तो न्यूक्लियर डीएनए इज रिमूव फ्रॉम हर एग एंड इंसर्टेड इनटू डोनर एग। तो डोनर से एग लिया जाता है, हेल्दी डोनर से, जिसका हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये हेल्दी डोनर का न्यूक्लियर डीएनए निकाल दिया जाता है, और न्यूक्लियर डीएनए एक्चुअली मदर का होता है और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है वो डोनर का होता है। तो ऐसे एक कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो डोनर एग, एज अ रिजल्ट डोनर एग इज लेफ्ट विथ न्यूक्लियर डीएनए फ्रॉम द मदर एंड डीएनए फ्रॉम द डोनर ऑल्सो, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी डीएनए होता है, तो डीएनए यहाँ पे मदर का भी आता है और जो है डोनर का भी आता है, तो ये थ्री पेरेंट बेबी कहा जाता है। तो ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से कहते हैं, ये है ना। तो ये है, तो फर्टिलाइजेशन दोनों का किया जाता है बेसिकली, इधर भी फर्टिलाइजेशन किया गया है, ये भी फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, मतलब फर्टिलाइज्ड एग मींस एग एंड स्पर्म हैव मेट, तो उनका जो कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो जायगोट बनता है, ये भी जायगोट है, यहाँ पे भी जायगोट है, ये भी फर्टिलाइज्ड एग। तो एक फॉल्टी है, एक दूसरा जो है ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है ऐसे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ये जो था क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अब तक जितना डेवलपमेंट हुआ है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकती है। तो हमारे पास नंबर्स दिए गए, ऑप्शंस, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, डिजीज डायग्नोसिस, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, एंड फाइनली वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं तो एक रेगुलर फ्लो में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है,
जैसे नॉर्मल भी हम हाउसेस होल्ड्स में भी मतलब जो ऑन है ऑन रह जाता है, तो कभी नई जरूरत है तो उसको ऑफ कर दिया जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें एक्चुअली यूज किया जाता है. तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसा है वो मेंटेन करने के लिए एआई यूज होता है. तो इट कैन कीप अ टैब व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट कैन लोअर द पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. तो ये बहुत यूजफुल है. फिर सेकेंड पॉइंट इज क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स. अब हमने कोई एआई का शॉर्ट स्टोरी सॉन्ग ऐसे कुछ सुना नहीं, कोई ऐसा कुछ पॉपुलर हुआ नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन जैसा हमारा ऑप्शन है ये तो हो जाता है. टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन इज नोन टूडे. सो दिस इज हैपनिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पर जो खुद से बनाए, वो खुद से एक स्टोरी बनाए, वो मीनिंगफुल बने, ये अभी तक इतना एडवांस्ड एआई नहीं हुआ है कि सॉन्ग्स और स्टोरीज बना सके. तो ये एक फ्यूचर में ये मास्टर किया जाएगा, पर अब तक ये मास्टर नहीं किया गया. फिर थर्ड है डिजीज डायग्नोसिस. डिजीज डायग्नोसिस तो ऑफकोर्स है, एआई हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इवन ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड कई बार न्यूज आता है कि ये पूरा जो डायग्नोसिस उससे पता चलता है कि ये हो सकता है कोई डिजीज. तो एआई काफी यूज होता है डिजीज डायग्नोसिस में, और इवन प्रिडिक्शन एंड ऑल सच थिंग्स. वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायरलेसली ट्रांसफर हो, ये अभी तक इतने एडवांस स्टेज में पहुंचा नहीं है कुछ के, बट ये भी एक कंसेप्ट है एंड दिस विल कम इन द फ्यूचर. बट वी हैव नॉट विद प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एआई कैन नॉट इफेक्टिवली डू दिस. तो बेसिकली वॉट कम्स इन इज फाइव विल नॉट बी इन द ऑप्शन. तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए गए वो ऐसे है, 1, 2, 3 and 5 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, 2, 4 and 5 ओनली, एंड फाइनली 1, 2, 3, 4 and 5. तो 5 वाला हम निकाल सकते हैं, तो हम बचते 1, 3 and 4 के साथ ही. तो ये भी मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज बने, ये अभी तक इफेक्टिवली होना ये अब तक हुआ नहीं. तो ये है, तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है बी. फिर यहाँ पे हम एआई का भी हमें पता है, यहाँ पे डिटेल भी दिया है कि कैसे एआई कैन मॉनिटर एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनर्जी कंजम्पशन है, और फिर उसको इवेल्युएट करके एनर्जी यूसेज मैनेज किया जा सकता है कि कब पीक आवर्स है तो कब कम करना है, बॉटलनेक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी यूज होता है. ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन, थर्ड वन. विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन वीएलसी टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो फर्स्ट इज वीएलसी यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 टू 780 नैनोमीटर. सेकेंड इज वीएलसी इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन. थर्ड स्टेटमेंट इज वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज वीएलसी हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. एंड हमारे ऑप्शन है यहाँ पे 1, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, एंड 2, 3 and 4 ओनली. तो चार में से एक स्टेटमेंट तो गलत है. अब हमको ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. पहला वाला तो फैक्चुअल है, तो अब फैक्चुअल हमको बेसिकली फैक्चुअल वाला गलत हो इसके चांसेस कम है, क्योंकि यूपीएससी हमें नहीं चाहती कि हम फैक्चुअल डेटा इतना सारा याद रखे और इस बेसिस पे आंसर रॉन्ग हो. तो इसका हो सकता है रॉन्ग, पर इसके होने के चांसेस कम है. तो फर्स्ट को हम अभी के लिए छोड़ देते, सेकेंड देखते क्या है. वीएलसी इज नोन, अब ये विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ऑफकोर्स लाइट है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, थ्रू लाइट कम्युनिकेशन हो रहा है. तो ये लाईफाई काफी फेमस है इसका, लाइट फिडेलिटी, जैसे वाईफाई होता है वैसे लाईफाई होता है. तो लाईफाई इज फेमस वहां, उस न्यू टेक्नोलॉजी से हम काफी सारा डेटा और जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट तो राइट है, ये पता है हमको. सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन. तो ऑप्टिकल है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, पर लॉन्ग रेंज नहीं है, विजिबल लाइट. तो ये विजिबल लाइट से लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन बेसिकली नहीं है, इट्स फॉर शॉर्ट रेंज ओनली. तो सेकंड स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है. वीएलसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है, विजिबल लाइट रेंज है. तो ये एक एक्चुअली एडवांटेज है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का. तो यहाँ करेक्ट आंसर है 1, 3 and 4. तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ है, ये देखो लाइट फिडेलिटी. Li-Fi is a recent technology under VLC which can be used for wireless communication as it has many advantages such as no electromagnetic interference, low cost and high data rate. So it is a short range wireless technology. And it is more secure
एंड यू नो मोर अचीव्स हायर डेटा रेट्स देन अदर टेक्नोलॉजीज लाइक वाईफाई ब्लूटूथ वायमैक्स एक्सेट्रा बिकॉज वाईफाई ब्लूटूथ दे यूज रेडियो वेव्स एंड दिस इज यूजिंग विजिबल लाइट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो ये और ये जो हमको नैनोमीटर्स में जो दिया था वो राइट राइट था, ये वैल्यूज बराबर है. फिर नेक्स्ट देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 4. विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट, इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो काफी न्यूज में रहा है और उसका बेसिक जो फंडामेंटल उसका एक्सप्लेनेशन है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, वो यही है कि इट इज ओपन पब्लिक लेजर होता है. लेजर मीन्स उसके ऊपर ब्लॉकचेन जैसे ब्लॉक्स एड होके चेन बनता है, वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है. तो वो जो चेंजेस होते हैं वो सबको पता चलते हैं. सो इट्स अ पब्लिक लेजर, तो उसमें सारी डिटेल्स रहती है, क्या चेंज हुआ, किसने चेंज किया, पूरा ऐसे डिटेल रहती है. तो एक सिंगल यूजर के कंट्रोल में नहीं है, वो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है. इसीलिए जो है गवर्नमेंट्स वगैरह इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस रेज कर रही है. क्रिप्टो करेंसी के लिए काफी यूज होता है, लेकिन इसके और भी एप्लीकेशन से काफी न्यूज में आया है तो वो हमें पता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है. स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली. अब ये ओनली वर्ड जनरली आता है तो हमको ध्यान रखना चाहिए, क्या ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए है? ओनली मीन सिर्फ इसके लिए, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज मेनी अदर एप्लीकेशंस, मेनी वेरिड एप्लीकेशंस. सो 2 इज इनकरेक्ट. थर्ड इज, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबडीज परमिशन. तो मतलब ब्लॉकचेन अगर हमको कोई ऐप बनाना है जिसके अंदर ब्लॉकचेन यूज हो रहा है तो हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो ये यूज किया जा सकता है. और अभी भी गवर्नमेंट ने कुछ इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं लाए कि कुछ आपको परमिशन लेना होगा या कुछ. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हमको दिए गए हैं उसमें हमको क्लियरली पता है कि 2 नहीं आना है, तो हमारे बचते ऑप्शंस है 1 ओनली और 1 एंड 3 ओनली. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, 1 एंड 3 ओनली. तो ये हमारा ब्लॉकचेन का क्वेश्चन हो गया. फिर नेक्स्ट है 5th question. With reference to carbon nanotubes, consider the following statements. तो हमारे statements है, first, they can be used as carriers of drugs and antigens in the human body. Second statement is, they can be made into artificial blood capillaries for an injured part of human body. Third statement is, they can be used in biochemical sensors. 4, carbon nanotubes are biodegradable. So which of the statements given above are correct? तो हमारे पास 4 options हैं. तो यहाँ से हमें देखना है कि कौन सा नहीं आएगा. तो basically हम carbon nanotubes की बात करते हैं तो ये carriers used as carriers of drugs and antigens तो होता ही है. nanotubes जैसे tubes की बात होती है तो हमें clearly लगता भी है कि ये सही है. It can be made into artificial capillaries for an injured part of the body. अब ये point है. तीसरा, they can be used in biochemical sensors. तो बायोकेमिकल सेंसर्स में भी कार्बन नैनोट्यूब्स यूज होते हैं एंड दे आर बायोडिग्रेडेबल. दैट इज वन थिंग दैट दे आर बायोडिग्रेडेबल, सो दैट इज द एडवांटेज बिकॉज ये ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है तो कार्बन नैनोट्यूब्स होते हैं. तो यहाँ एक्चुअली जो ऑप्शन है उसमें से हमें दिख रहा है कि बेसिकली ऑलमोस्ट सब सही है. दे कैन मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज, तो ये बायोडिग्रेडेबल भी है, बॉडी में यूज किया जाता है कैरियर्स की तरह. तो ब्लड कैपिलरीज ऑल्सो कैरिंग ब्लड, सो दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज. तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो आंसर बेसिकली यहाँ पे जो है डी है, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली. फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्राफीन जो होते हैं ये सारे जो है कार्बन से बने होते हैं, तो दे आर एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. सो यहाँ देखो काफी सारे एप्लीकेशन है इसके. तो ब्लड कंपैटिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन नैनो ट्यूब्स की. सो बायोमेडिकल डिवाइसेस के लिए ये होना जरूरी है. तो दे कैन फंक्शन इन विवो, इन विट्रो होता है इन ग्लास, इन अ लैब, इन टेस्ट ट्यूब. इन विवो मीन्स इन साइड द बॉडी ऐसे. तो ये है कार्बन नैनोट्यूब्स, दे हैव लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया टू, सो इसकी वजह से हाई सरफेस वॉल्यूम रेशियो की वजह से भी वो बायोसेंसर्स के लिए भी यूज किए जाते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी है वो लिखा है यहाँ पे, है ना. काफी सारे बैक्टीरिया फंगाई इनको डिग्रेड कर सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई. नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज. 1, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड. 2, inspecting the craters of active volcanoes. 3, collecting breath samples from spouting whales for DNA analysis.
क्वेश्चन है, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट यूजिंग ड्रोन्स। अब ड्रोन्स के बारे में तो हमें सबको पता है, ड्रोन्स यूज होते हैं पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, यूज होते हैं कि ह्यूमंस ना करे वो, क्योंकि पेस्टिसाइड से ह्यूमंस में भी डिजीजेस हो जाती है मैनुअल स्प्रेइंग में, तो स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स के लिए तो यूज किया जाता है, फॉरेन कंट्रीज में काफी यूज किया जाता है लार्ज फील्ड्स के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कोर्स करेक्ट है। फिर जैसे रिसेंटली इवन इन द लोकस्ट अटैक वो टाइम पे भी ड्रोन्स यूज किए गए थे, तो स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप फील्ड इज वन इज करेक्ट। सेकेंड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस, तो ये भी एक्टिव वॉल्केनोस के क्रेटर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए भी के कितनी एक्टिविटी क्या है, वॉल्केनो का क्या स्टेटस है, यूज कर सकते ड्रोन्स। ड्रोन्स बड़े से बड़े और छोटे से छोटे होते हैं, तो इसमें भी यूज होते हैं। तो हमारे ऑप्शन भी देख लेंगे कि हमें ऑप्शन में कैसे दिया गया, हेल्प किया गया। तो 1, 2, and 3 भी है, और या तो एक ना आए। तो थर्ड है एक्चुअली कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस, तो ये एक्चुअली किया गया था। तो यहाँ पे आंसर डी है, 1, 2, and 3 ओनली। सो ये 2017 में न्यूज में था, जहाँ पे साइंटिस्ट ने यूएस कनाडा में साइंटिस्ट ने हमबैक वेल्स के लिए के वहां पे एक थोड़े एक स्मॉल ड्रोन, छोटा सा ड्रोन फ्लाई किया था, और उसने माइक्रोब्स वहां पे कलेक्ट किए थे ब्रेथ में से। हमबैक वेल्स जो है पानी, ऐसे ब्लू होल होता है उनका, वो पानी उछालते जब, तो माइक्रोब्स जो होते हैं लिविंग इनसाइड द ब्रेथ, उसको उन्होंने कलेक्ट किया था और उसकी स्टडी की थी टू अंडरस्टैंड वेल्स बेटर, के वो वेल हेल्दी कब होते हैं, वो सिक कब होते हैं, उसके बारे में समझने के लिए। तो इसके लिए भी ड्रोन्स यूज किए गए हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन था, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ ऐसे, इतना स्पेसिफिक कुछ पूछा गया था कि ब्रेथ सैंपल के लिए यूज किया जाता है क्या, ये कोई जनरल एप्लीकेशन तो है नहीं। तो इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1 million kilometers लॉन्ग विथ लेजर्स शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रेफर्स टू, तो ये मतलब तीन स्पेसक्राफ्ट फ्लाई करेगी इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म में, 1 million kilometer लॉन्ग उनकी साइड्स होगी, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की, और लेजर्स वो उनके आसपास ऐसे शाइन करेंगे, मतलब अलोंग द इक्विलैटरल ट्रायंगल बिटवीन देम। तो ये किस कौन से एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, है ना? तो लेजर्स यूज किए जा रहे हैं, तो ये ए ऑप्शन दिया है वॉयेजर 2। तो ये स्पेसक्राफ्ट ही हमें पता है, न्यू होराइजंस इज आल्सो स्पेसक्राफ्ट, ये काफी न्यूज में रहा है। लीजा पाथफाइंडर एंड द लास्ट ऑप्शन इज इवॉल्व्ड लीजा। तो अब लीजा दो बार भी आया है, तो थोड़ा इस पे नजर जाती भी है कि इन दोनों में से एक होगा। न्यू होराइजंस हमको ऑलरेडी पता है, एज अ नेम सजेस्ट्स आल्सो, ये एक्चुअली होराइजन मीन्स हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है, जो सोलार सिस्टम है, तो हम प्लूटो जो अभी ड्वार्फ प्लैनेट भी बन चुका है वहां तक ही हमारे समझ है। तो न्यू होराइजन एक्चुअली टू लुक टू दैट एक्सट्रीम, ये प्लूटो तक जाने का ये नासा का स्पेसक्राफ्ट है। तो ये कई बार काफी सालों से न्यूज में रहा है, एंड सो इट इज प्रोमिनेंटली स्टडीड व्हेन यू स्टडी अबाउट स्पेस एक्सपेरिमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी जब हम स्टडी करते। तो ए और बी तो नहीं है, वॉयेजर 2 भी बहुत पुराना स्पेसक्राफ्ट है ऐसे। तो लीजा पाथफाइंडर और इवॉल्व लीजा में से एक होगा, तो ये कौन सा है? तो ये एक्चुअली इवॉल्व लीजा है। लीजा पाथफाइंडर जो है वो सिर्फ एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट की बात हो रही है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो बेटर समझेगा। ये देखिए, द लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना लीजा, ये लीजा का शॉर्ट फॉर्म है, इज अ मिशन लेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू डिटेक्ट एंड एक्यूरेटली मेजर ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये लेजर से ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्शन जो करते हैं, एक्चुअली हमने ग्राउंड पे देखा है ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्शन के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, है ना, लीगो होता है वो। तो ये लीजा जो है ये स्पेस में है, स्पेस एंटेना है। तो यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक्यूरेटली मेजर करना चाहती है ग्रेविटेशनल वेव्स, उसके लिए लीजा पाथफाइंडर लॉन्च हुआ था 2015 में टेस्टिंग के लिए, टू टेस्ट द टेक्नोलॉजी नेसेसरी फॉर दिस, नेसेसरी टू पुट अ टेस्ट मास इन ऑलमोस्ट परफेक्ट फ्री फॉल कंडीशन। तो लीजा पाथफाइंडर जो था उसमें सिंगल स्पेसक्राफ्ट ही थी विथ वन लीजा इंटरफेरोमीटर आर्म शॉर्टन, क्योंकि आर्म होता है ना ये ट्राइंगल जैसे होता है, तो एक आर्म शॉर्टन करके यूज किया था सिंगल स्पेसक्राफ्ट। जो लीजा कंसेप्ट है वो बेसिकली 3 स्पेसक्राफ्ट्स का है, नो, अरेंज्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो दे ऑल फ्लाइंग अलोंग एन अर्थ लाइक हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट। तो उनकी ऑर्बिट होती है हर एक की अराउंड द सन, और ये ऐसे इस इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप में वो मूव करते,
डिस्टेंस उनके बीच में मॉनिटर किया जाता है ताकि अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव पास हो रहा है तो डिटेक्ट हो सके. सो दैट इज लीजा. तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है आएगा इवॉल्व लीजा. ये लीजा पाथफाइंडर हम अगर इसकी स्टडी करेंगे तो पता चलेगा ये सिंगल स्पेसक्राफ्ट है. देन नेक्स्ट इज एथ क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वन, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट. टू, अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज. थ्री, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग. तो ये तीन स्टेटमेंट्स है एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ये हमें बताना है. ऑप्शन यहाँ पे हमारे सामने है. वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, टू ओनली, वन टू एंड थ्री. सबसे पहला स्टेटमेंट है जेनेटिक चेंजेस हम कर सकते हैं किसमें, इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म सेल्स. तो ये आपको पता होना चाहिए जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें पहले सेल्स होते हैं जर्म सेल्स. जर्म सेल्स एक्चुअली होते हैं ह्यूमन बॉडी में. मेल्स में जो जर्म सेल्स होते हैं उससे स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल्स में जो जर्म सेल्स होते हैं उससे एग्स बनते हैं. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जेनेटिक चेंजेस हम सेल्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट है, जो पेरेंट बनने वाले, तो वो उनके जो बच्चे में जेनेटिक चेंजेस चाहिए तो वो हम यहीं पे उनको कर दें. तो हमारे एक्ट के बारे में भी आपको पता है, PCPNDT एक्ट. प्रीकंसेप्शन, तो मतलब कंसीव करने से पहले, मतलब मदर प्रेग्नेंट होने से पहले प्रीकंसेप्शन, यू नो, जेनेटिक चेंजेस हो सकते, जिससे हम इवन जो है जेंडर डिटरमिन किया जाता है. तो ये सब टेक्नोलॉजीज है तो जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ना. प्रीकंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, PCPNDT एक्ट जो है, तो ये जेनेटिक चेंजेस होते ही हमें पता होना चाहिए. सेकेंड है पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट दी अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज. तो अभी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट मतलब बच्चा कंसीव होने से पहले ही चेंजेस कर दिया, वो भी पॉसिबल होता है. और बच्चा कंसीव कर लिया उसके बाद जो एम्ब्रायो है, अर्ली एम्ब्रायो, उसमें भी जीनोम एडिटिंग होता है ना. ऑफकोर्स इनविट्रो होगा तो वो होता है, तो ये सेकेंड भी पॉसिबल है. थर्ड इज ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इन टू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग. मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होता है, ये काफी आप साइंस एंड टेक पढ़ोगे, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, तो ये टर्म्स आएंगे ही. प्लुरिपोटेंसी है स्टेम सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लुरिपोटेंट है, मतलब प्लूरल मतलब मेनी, पोटेंसी मतलब उनके पास पोटेंशियल है, वो कुछ भी बन सकते हैं. स्टेम सेल्स में प्लुरिपोटेंसी होती है. टोटिपोटेंसी, प्लुरिपोटेंसी, ये सारे टर्म्स आते हैं. तो स्टेम सेल्स जब होते हैं तो प्लुरिपोटेंट होते, कोई भी टाइप ऑफ सेल बन सकते हैं. तो जब बच्चा भी बनता है, एक सेल से पूरा बच्चा बनता है, तो वो सेल अलग अलग टाइप का जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकता है. तो जो इनिशियल स्टेज में जो सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स किए जाते हैं. तो ह्यूमन इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी होते हैं, मतलब सेल्स को इंड्यूस करके स्टेम सेल्स बनाया जाता है. तो वो ह्यूमन सेल्स ऐसे इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ना. तो ये जो सेल्स है इनको पिग के एम्ब्रायो में भी डाला जाता है. मतलब के पिग के एम्ब्रायो में, मतलब पिग के एम्ब्रायो में डालते हैं किस लिए, कि वहां पे जो भी हमें स्टेम सेल है, अब वो स्टेम सेल को जैसे हम इंड्यूस करेंगे कि हम चाहते हैं कि वो स्टेम सेल से समझो किडनी के सेल्स बने, किडनी ऑर्गन बने, तो हम उसको ऐसे इंड्यूस करेंगे तो पूरा किडनी बनेगा. तो वो किडनी कहाँ बनेगा, तो वो उसके लिए एक एम्ब्रायो चाहिए ना जिसमें वो सेल्स स्टेम सेल्स डेवलप हो. तो इसीलिए एनिमल्स के एम्ब्रायोज यूज किए जाते हैं ताकि जो है ऑर्गन हार्वेस्टिंग किया जा सके, ऑर्गन्स बनाए जा सके, या जो भी रिक्वायरमेंट है वो बनाया जा सके जो ह्यूमंस में यूज हो सके. तो ये टेक्नोलॉजी है. तो बेसिकली आंसर एक्चुअली डी है, 1, 2, and 3. ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है. तो पास जीन्स डाउन टू देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स स्प्लिट स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड जर्म सेल्स टू क्रिएट एग एंड स्पर्म सेल्स. तो पेरेंट्स में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जर्म सेल्स. तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए. तो ये एग सेल और जर्म सेल के कॉम्बिनेशन से बच्चा होता है जो. तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पे जो है डीएनए क्रॉसओवर होता है. तो यहाँ पे ह्यूमन जर्म लाइन इंजीनियरिंग है. इज द प्रोसेस बाय विच जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल इज एडिटेड इन सच अ वे दैट चेंज इज हेरिटेबल. मतलब जर्म सेल्स में ही जेनेटिक ऑल्टरेशन कर देते हैं. और दूसरा सेकेंड तो होता ही है ना, एम्ब्रियो में चेंजेस होते. थर्ड जो है ह्यूमन इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स. तो ये मतलब डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है, ऑलरेडी स्टेम सेल नहीं है वो, लेकिन उनको प्लुरिपोटेंसी दिया जा रहा है इंड्यूस करके उनको, जो है डिफरेंशिएटेड सेल्स मींस अपोजिट ऑफ स्टेम सेल्स. ऑलरेडी उनका डिफरेंशिएशन हो गया है, वो अलग अलग टाइप के सेल्स बन चुके हैं, ब्लड सेल बन चुके हैं, नर्व सेल बन चुके हैं, जो भी. तो वो डिफरेंशिएटेड सेल्स को रीप्रोग्रामिंग इंड्यूस किया जाता है और उनमें प्लुरिपोटेंसी लाई जाती है, उनको स्टेम सेल की तरह बनाया जाता है.
तो ये जो होता है ह्यूमन इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स, इनको ये देखो ये इनको काइमेरिक मॉडल कहा जाता है, मतलब ह्यूमन पिग इंटरस्पीशीज ऐसे। तो पिग होस्ट स्पीशीज बना के इनमें ये ऑर्गन्स डेवलप किए जाते हैं जो हमें चाहिए वैसा इंड्यूस करके। तो इससे क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन का जो शॉर्टेज है प्रेजेंटली वर्ल्ड में भी, वो भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया है, जैसा ये पेशेंट के ही इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स लिया क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है, तो उनके बॉडी के जो है वो हिसाब से ही वही ऑर्गन हो। क्योंकि ऑर्गन डोनेशन में प्रॉब्लम क्या आता है कि ऑर्गन रिजेक्ट हो जाता है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती अगर ऑर्गन मैचिंग नहीं होता है तो ऑर्गन मैच करने के लिए वो काफी डिफिकल्टी आती है। तो आपका ही जो है सेल्स यूज करके अगर ऑर्गन बनाया जाए तो ऑर्गन मैचिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑर्गन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, कोई कमी नहीं होगी ना, मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इजी ऑर्गन डोनेशन जो प्रोसेस होता है वो इजी हो जाएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो इसीलिए ये पेशेंट डिराइव्ड इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, और ये पिग के फीटस में जो है यहाँ पे देखो इंजेक्ट किए जाते हैं। तो जो भी ऑर्गन है ह्यूमन ऑर्गन वो पिग के इसमें ग्रो होता है और फिर उसको यूज किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। तो ये जब बच्चे का वैक्सीनेशन किया जाता है तो ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दिया ही जाता है। तो दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिनजाइटिस एंड सेप्सिस। इंडिया में भी ये काफी फेमस हो गया अभी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो इससे वैक्सीन से होता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर ये वैक्सीन लगाओगे तो थोड़ा कुछ साइड इफेक्ट भी होगा। तो ऑफकोर्स वैक्सीन का जरूरत इसलिए कि जो ये डिजीज है निमोनिया तो ये ना हो। तो डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। तो ये ऑफकोर्स होता है कि वैक्सीन कर दिया है तो डिजीज नहीं होगी, नहीं तो डिजीज होगी तो फिर हमें जो मेडिकेशन लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक्स में भी एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं कितना डेवलप हो रहा है, तो वो जो कंसर्न है ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गए तो उसमें हम अपने आप को बचा सकते हैं इस वैक्सीन से। थर्ड है, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस। एक्चुअली थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, न्यूमोकोकल वैक्सीन में होता ही है, सारे वैक्सीन में साइड इफेक्ट्स नहीं होते पर न्यूमोकोकल वैक्सीन में होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये हमें पता है, इतना तो पक्का है। तो हमारे ऑप्शन में दो ऑप्शन में है, वन एंड टू ओनली। तो ये एक्चुअली एंटीबायोटिक्स से बचाती है हमें, क्योंकि न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है न्यूमोकोकल बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स तो लगेगी, ये डिजीज होगी। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया लीडिंग कॉज ऑफ सेप्सिस मेनिनजाइटिस है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी है कि इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिनजाइटिस एंड स्ट्रेप्सिस, तो वो तो करेक्ट है ही। तो हमारा यहाँ पे हो गया ये, साइड इफेक्ट्स भी काफी काफी सारे होते हैं। देखिए नेक्स्ट है, 10th क्वेश्चन, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, एंड द फोर ऑप्शंस आर डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक की ये कई बार यूज होता है, ये IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, डिजिटल सिक्योरिटी के लिए होता है पब्लिक की। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी होती है ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स एंड डिवाइसेस इन द डिजिटल वर्ल्ड, ताकि यू नो डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन हो के ट्रस्टेड पार्टीज है, ताकि यू नो एक क्रिप्टोग्राफिक की होती है बेसिकली पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये डिवाइसेस और यूजर्स से लिंक्ड होती है ताकि उनको वेरीफाई किया जा सके, सर्टिफाई किया जा सके। फिर नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का डिफरेंस ये स्कूल लेवल में पढ़ाया जाता है 9th और 10th स्टैंडर्ड में। तो बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली यूपीएससी पूछती नहीं थी तो ये इग्नोर किया जाता था, पर इस साल उन्होंने एक सवाल पूछा है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। प्लांट सेल्स के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन तो पता होगी कि प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोस सेल वॉल्स व्हाइल विल्स्ट एनिमल सेल्स डू नॉट। तो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है हर एक सेल के अराउंड सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल रिजिडिटी देती है,
प्लांट्स रिजिड होते हैं, प्लांट्स की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, मूव नहीं होती. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे हर एक सेल के अराउंड रिजिड सेल वॉल नहीं होती है. फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है. सेकेंड इज, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक कवरिंग होती है, वो नहीं होने का कोई रीजन नहीं होता, तो सेकेंड स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं बनता, इट्स इनकरेक्ट. देन थर्ड इज, मेच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स. तो ये भी एक मेन डिफरेंस है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में. तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. तो हमारे ऑप्शन भी है, ये देखिए, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, एंड वन टू एंड थ्री. और हमारा टू इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, वन एंड थ्री ओनली. तो ये देखिए प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में, ये देखिए सेल वॉल यहाँ पे होता है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो ह्यूमंस में और एनिमल्स में नहीं होता, विच विच दे कैन मेक देयर ओन फूड, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोप्लास्ट उसका है. तो ये है, और ये वन लार्ज वैक्यूल होता है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. फिर लास्ट क्वेश्चन है, ट्वेल्थ क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन से साइंस एंड टेक से. इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर आईएईए सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट. तो इंटरनेशनल एटॉमिक ऑफ एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आईएईए सेफगार्ड्स में हमारे थोड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स है. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए मेनली चाहिए फ्यूल, है ना, तो यूरेनियम फ्यूल चाहिए. तो थोड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स सेफगार्ड्स में है और थोड़े नहीं है. तो ऑप्शन है कि क्यों, रीजन क्या है इसका, वाई. तो सम यूज यूरेनियम, अदर्स यूज थोरियम. तो थोरियम यूज करते तो नहीं करना है, सारे यूरेनियम जो यूज करते हैं उसके लिए ऐसा नहीं है. थोरियम हम इतना यूज भी नहीं कर पा रहे, हमारा स्टेजेस में आगे नेक्स्ट स्टेज में आएगा अभी, तो ये ए आंसर नहीं है. सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज. तो इम्पोर्टेड यूरेनियम हम यूज करना चाहते हैं, और डोमेस्टिक सप्लाईज भी यूरेनियम की है बट इट्स लिमिटेड. तो बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और हमारा जो न्यूक्लियर डील था यूएस के साथ, वो साफ काफी सारा, ये पूरा अभी काफी सालों से ये हम ऑलरेडी ये बेनिफिट मिल चुका है ताकि हम यूरेनियम इम्पोर्ट कर सके. तो जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील थी उसके बाद हमने आईए सेफगार्ड में हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी लाए हैं ताकि हम यूरेनियम हमें भी इम्पोर्ट करने मिले. हम एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप भी चाहते हैं, तो ये सब काफी सारा ये हमेशा न्यूज में रहता है. तो यहाँ पे एक्चुअली इम्पोर्टेड यूरेनियम थोड़े यूज करते हैं तो उनको आईएईए सेफगार्ड के अंदर लाना पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट है. तीसरा है, सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस. एनडीए, सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड. तो स्टेट ओन्ड है, गवर्नमेंट के तो रिएक्टर्स आएंगे सेफगार्ड्स में या नहीं आएंगे, प्राइवेटली है तो नहीं आएंगे, ऐसा तो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकता. और ये जो है सी वाला भी, सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक. सो डोमेस्टिक में भी आईएईए सेफगार्ड मतलब जो है ये सिमिलर ही दोनों है, तो ये दोनों एक्चुअली रॉन्ग ऑप्शन है, ऐसा नहीं होता है, उनके बेसिस पे नहीं है. तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है हमारा है बी, सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज. बेसिकली इवन आईए सेफगार्ड्स में हमने वो रिएक्टर्स लाए हैं जो मिलिट्री पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हम, तो वो रिएक्टर्स ही लाए, जैसे हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हमारा ट्रॉम्बे में पूरा है, जो उधर हमारा जो रिसर्च भी चलता है, और ट्रॉम्बे में जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनको हमने आईए सेफगार्ड में नहीं लाए है. तो वो है, तो वो हम डोमेस्टिक सप्लाई से यूज करते, तो यही है. तो यहाँ करेक्ट आंसर है बी. तो यहाँ हमारे 12 क्वेश्चंस जो है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट होते. विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.